अब क्या है? खोल गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्या करें? आज हम करेंगे 23 का 5th क्वेश्चन का ये 6th पार्ट, 6th पार्ट कर रहे हैं और इसमें हम 7th पार्ट भी करेंगे लगे यार। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं क्या बोलता है प्रूफ। बोलता है बस एनसीईआरटी का प्रूफ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहले हम दिमाग से सोचते हैं ये रूट है, मेरे को रूट हटाना पड़ेगा। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं, तो स्क्वायर कैसे यहाँ बनाए? तो अब पहला मकसद यही है क्वेश्चन में, हम इसको स्क्वायर कैसे करें, स्क्वायरिंग करेंगे फिर उसका रूट करेंगे और मतलब रूट हट जाएगा फिर स्क्वायर से। तो स्क्वायर कैसे करेंगे वो मकसद है। तो देखो यहां लिखते हैं टेकिंग एल एच एस, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां करूंगा कि जो ए अंडर रूट जो लिखा हुआ है ना, ए वन प्लस साइन ए बाय ए वन माइनस साइन ए, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा वन प्लस साइन ए से और वन प्लस साइन ए से। क्यों? क्योंकि देखो भैया क्या होगा, यहां इससे करने से हमारा स्क्वेयरिंग बन जाएगी और स्क्वेयरिंग होने पर रूट हट जाएगा। तो पढ़ा क्वेश्चन मतलब आंसर का पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए दोनों सेम है, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर है। तो यहाँ पावर क्या है वन, यहाँ पावर क्या वन, वन प्लस वन टू, तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मार्को क्या हो गया, ये जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे नीचे क्या बनेगा, वन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है वो प्रॉपर्टी होती है, लिख दू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे लिख लेना। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है वन का स्क्वायर माइनस माइनस बी, बी का स्क्वायर, बी क्या साइन है तो साइन का होल स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब। अब देखो जो दोनों के ऊपर रूट है, इसके ऊपर उसके ऊपर भी रूट है, तो इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हटेगा, इसका रूट हट जाएगा। मतलब देखो इसके ऊपर भी तो रूट है, अलग अलग है ना, ये अलग अलग लिख देता हूँ। देखो अलग अलग यहाँ लिख दू, मैं लिखता हूँ अंडर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे अलग है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर वाला तो खाली आ गया अपना के वन प्लस साइन ए। अब नीचे क्या है, नीचे तो नहीं कट पाया क्योंकि ये होल का स्क्वायर नहीं है, अगर होल का स्क्वायर होगा तभी रूट कटेगा। देखो ऊपर होल का स्क्वायर तभी रूट कटेगा, नीचे वन का स्क्वायर तो नहीं है। पर हाँ मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं वन को लिखता हूँ वन होल। ठीक है, तो क्या करें, बड़ा सिंपल है। देखो हम यहाँ यूज करेंगे कि जो हमारा वो होता है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट मंत्र, साइन ए साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है वन होता है। तो यहां से जो मैं अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो ये प्लस का साइन स्क्वायर है, वहां जाकर माइनस का वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं इसको यहाँ, अरे कैसा डब्बा हो गया ऐसा, तो इसको यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखो तो मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर रो को स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दो मैं कोस स्क्वायर ए, इसका रूट है ना, अभी रूट भी तो है, अभी स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, अब कट जाएगा क्योंकि वो पूरे का ही है। ठीक है, कट गया, तो अब हमारा आंसर क्या है, यहाँ लिख दे, अब आ रहा है देखो ऊपर तो क्या है, ऊपर है वन प्लस साइन ए, नीचे क्या है कोस ए। अब मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा वन बाय में कोस ए, वन के नीचे अलग और साइन के नीचे अलग, साइन ए बाय में कोस ए, मैंने अलग अलग लिख दिया। वन बाय कोस ए क्या होता है, वन बाय कोस ए बोलो सेक ए, हाँ और सॉरी प्लस, और साइन बाय कोस क्या होता है बोलो टेन ए, है ना टेन ए होता है भाई। तो लो हो गया प्रूफ। अरे क्या हो रहा है, ये डब्बे को मैं सीधा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, बना दिया। ठीक है, तो हमने एल एच एस को आर एच एस के बराबर प्रूफ कर दिया, लिखा देपुर सॉरी मर्जी आपकी है। अब हम इसका फटाफट से 7th पार्ट करने वाले हैं, जल्दी जल्दी छापो, स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कौन सा पार्ट है, 7th पार्ट है, 7th पार्ट पढ़ते हैं, प्रूफ करना है भी सिंपल। तो यहां अपने को प्रूफ करना है 10 के बराबर। अब यहां वही है बात, ऑलरेडी साइन कोस में है,
तो अब साइन में तोड़ेंगे नहीं, पर यहाँ कुछ नो क्या कहते उसको प्रॉपर्टी या फिर कुछ हम ऐसा मंत्र यूज करेंगे यहाँ ताकि अपना काम बच जाए या फिर कॉमन लेंगे, देखते हैं अभी कैसे करते हैं। तो अब मैं यहाँ कॉमन तो ले सकता हूँ देखो, क्योंकि देखो क्यूब की मैंने अभी तक प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा पढ़ी नहीं है, तो अब मैं यहाँ कॉमन इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने क्यूब की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। अब मैं कॉमन लूंगा तो ये क्यूब से स्क्वायर बनने के चांस है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है वो यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो हर स्टेप का मतलब रीजन है भाई, ऐसे नहीं है ठीक है। हम बात करते हैं टेकिंग LHS, ठीक है। तो मैं ऊपर से साइन कॉमन ले सकता हूँ ना, क्यों भैया देखो यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन क्यूब, यहाँ तीन बार साइन यहाँ एक बार साइन, तो एक बार तो ले सकता हूँ कॉमन ठीक है। तो साइन थीटा था वही बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा वन ठीक है, टू साइन क्यूब है तीन बार है, एक ले लिया तो कितनी बार बचेगा दो बार साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ठीक है। नीचे क्या नीचे कोस ले सकता हूं, कोस थीटा यहां देखो तीन कोस थे तो क्या बचेगा दो कोस, कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक ही कोस था वही बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा वन ठीक है। अब देखो अब मेरे को क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल है मेरे को टेन बनाना है, पर अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं ये काट दूं ये सभी ये दोनों काट दूं तो साइन बाय कोस तो टेन ऑलरेडी बना पड़ा है, ये साइन बाय कोस बचेगा, ये साइन बाय कोस टेन बन जाएगा, तो अगर ये कट जाए तो मेरा अब मकसद क्या है इन दोनों को काटना, इन दोनों को काटना सेम करना है, सेम गए तभी कटेगा। तो समझ आया अदब करते कैसे करते है ना काटते है। मैं यहां मंत्र यूज करूंगा, मंत्र कौन सा कर रहा हूं अभी देखो दिखाते आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा, ये देखो मैं कोस स्क्वायर को लिखूंगा वन माइनस सॉरी मैं कोस स्क्वायर लिखूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे भैया कैसे, हाँ भाई समझा रहे देखो हमने यहाँ यूज कराया है जो वो होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से हम निकाल ले कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये वन, ये प्लस यहाँ लगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने ये यहाँ यूज कर लिया कि मैं कोस स्क्वायर को लिख रहा हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर, समझ आ गया बड़ा सिंपल था, कोस स्क्वायर को लिखा वन माइनस साइन ठीक है। अब टू वन का मल्टीप्लाई करते हैं देखो खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा पाई में कोस थीटा, ये देखो टू वन जा टू माइनस माइनस टू को साइन स्क्वायर से करो ये जगह टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इसको बराबर से, ऊपर साइन थीटा है और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे क्या है कोस थीटा, देखो टू माइनस वन, टू माइनस वन वन ठीक है, और ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम भाई सेम मकसद पूरा होगा कट गया सेम बन गया ना, अब ये बचा खाली साइन बाय कोस क्या होता है टेन थीटा, लो भाई हमने प्रूव कर दिया है जो एल एच एस है ना, जो एल एच एस थी निकाली है इसको आर एच एस के बराबर प्रूव कर दिया है हमने, तो हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय ठीक है। खैर तो स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो मर्जी आपकी है ठीक है। सो खैर हम आ जाकर आपको समझ आया था ना, बहुत अच्छी बात है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।